हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोजी स्टडी। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम वन बाय वन उसके बारे में डिस्कस करेंगे किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो इसको जो प्रतिपादन किया था वो किया था गेसेल नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। तो उनके अनुसार जो बात कही गई थी वो थी, दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। तो आप इस बात को कैसे समझ सकते कि माना कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये दोनों समान नहीं है। समान नहीं है मतलब इनका रंग रूप चाल ढाल और इनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, किंतु इनमें जो विकास का प्रक्रम होगा वो बिल्कुल समान होगा। जो चाहे वो गोरा काला कैसा भी बच्चा है, वो सबसे पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद चलना सीखेगा और उसके बाद दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि गोरा बच्चा पहले दौड़ना सीखेगा और उसके बाद वो बैठना सीखे। तो जो विकास का क्रम होगा वो हर एक जो सामान्य बालक होगा, यहाँ पे सामान्य बालकों की बात की जा रही है, मैं विशिष्ट बालकों की बात नहीं कर रही, विशिष्ट से तात्पर्य मेरा जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं उनके बारे में है। तो सामान्य बालकों में जो क्रम होगा वो बिल्कुल एक समान होगा, जैसे बच्चों में खेलना उठना चलना आदि जो क्रम होता है वो एक समान चलता है। अब इसके बाद दूसरा सिद्धांत है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। तो जो हमारा विकास होता है वो सदैव सिर से पैर की ओर होता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन गया है कि जो विकास चलता है हमारा सिर से पैर की ओर होता है, ये बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो जो जब बच्चा मतलब पैदा होता है ना, तो उसका सिर सबसे भारी होता है, उसके बाद उसके जो और अंग होते हैं वो विकसित होने शुरू होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ, विकास की दिशा है वो सिर से पैर की तरफ चलती है। अब जो ये सिर से पैर की तरफ विकास हमारा चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अगर कई बार ये क्वेश्चन इस टाइप से ना आकर कि विकास का क्रम किस सिर से पैर की ओर होता है, इस क्वेश्चन को वो इसमें से कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं मस्तकाधोमुखी। इस सिद्धांत, इस क्रम को बोलते हैं मस्तकाधोमुखी, जब मस्तक से हमारा विकास स्टार्ट होता है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, एक ये सिर से पैर की तरफ और एक मस्तकाधोमुखी। तो जो हमारा विकास होता है वो क्रमिक होता है, ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। तीसरा है हमारा भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलैरिटी। तो इसके अनुसार क्या है कि विकास की अलग अलग अवस्थाओं में विकास की गति भी अलग अलग होती है, कभी यह गति तीव्र होती है तो कभी यह कम होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी अवस्थाएं होती है उनमें जो विकास के क्रम होता है या गति होती है वो अलग अलग होती है। जैसे इसको हम समझ सकते हैं, जो हमारी शैशवावस्था होती है 0 to 6, उसमें जो हमारा विकास की गति होती है वो सबसे तेज होती है, सबसे तेज में बालक अपना विकास करता है। लेकिन बाल्यावस्था में यह गति मंद पड़ जाती है, उसके बाद फिर किशोरावस्था में यह गति बढ़ने लगती है और तेज हो जाती है, उसके बाद जब प्रौढ़ावस्था आती है फिर यह गति कम हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार हर जो स्टेज होती है विकास की, उसमें जो विकास की क्रम की गति है, विकास की गति की तीव्रता है वो कम या ज्यादा हो सकती है। उसके बाद है निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास जो है निरंतर है, कंटिन्यूटी का सिद्धांत भी बोलते हैं इसे, ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती है हमेशा। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बस इसमें ये चेंज आ सकते हैं कि कभी यह गति मंद होती है और कभी यह तेज हो सकती है। तो निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास जीवन पर्यंत चलता है। उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो जो हमारा विकास सदैव जो होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जो भी बालक कार्य करेगा वो पहले सामान्य कार्य करेगा, उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ेगा। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे पहले जब उंगलियों से आप कुछ पकड़ना स्टार्ट करते हैं तो छोटे मोटे कपड़े या छोटा मोटा सामान होता है इधर उधर आपस में आसपास पड़ा हुआ, उसे उठाना शुरू करते हैं।
लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो उन्हीं उंगलियों की मदद से पैन, ग्लास, कप, जो थोड़ा भारी सामान होता है, इस प्रकार की वो विशिष्ट क्रियाएं करना स्टार्ट करने लग जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। गुड लक फ्रेंड्स।